यह देखिए इसके ऊपर पानी डालकर आपको दिखा रहा हूँ। माइनस से प्लस की तरफ को जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। आज मेरे पास हैवल्स कंपनी का 2000 वाट का टच स्क्रीन में इंडक्शन है। इसकी कुछ अपनी खूबियां हैं, जैसा कि कंपनी का ब्रांड नेम हैवल्स आप यहां देख रहे हैं और इसका मॉडल नंबर है इंस्टा कुक TC20। 2000 वाट का है, एक साल इसकी होम सर्विस है, होम वारंटी है और 3 साल इसकी कॉइल की वारंटी है। 3 घंटे तक का इसमें टाइमर दिया गया है और इसको अनबॉक्स हम करते हैं। इंडक्शन हमारा ऑन हो चुका है, लेकिन जब तक हम इसके ऊपर कोई बर्तन और उसमें कोई मटेरियल नहीं रखेंगे तब तक यह चालू नहीं होगा। तो हम इस पर कुछ रख कर इसके टोटल फंक्शन आपको दिखाते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि इस पूरे ही इंडक्शन के ऊपर यह सेरेमिक प्लेट लगी हुई है। कुछ इंडक्शन में आप देखते होंगे कि केवल कॉइल के ऊपर सेरेमिक प्लेट होती है और यहाँ डिस्प्ले पर ऑन ऑफ स्विच होते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं, उसके ऊपर एक स्टिकर लगा दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद स्विच को बार बार दबाने से स्टिकर फट जाता है, स्टिकर में छेद हो जाते हैं। और जब भी कभी इंडक्शन के ऊपर हम जो भी मटेरियल गर्म करते हैं और कभी कभी उबल जाने से बाहर निकल कर इंडक्शन के अंदर चला जाता है और वह सर्किट को खराब कर देता है। इस पर चलते हुए मैं आपको बाहर से पानी डालकर दिखाऊंगा, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ऑन ऑफ के स्विच को टच करते हैं, अभी इंडक्शन चला नहीं है, यहां से हमको फंक्शन टच करना होगा और इंडक्शन हमारा चालू हो गया है। इसके अलग अलग फंक्शन को आप यहां से चला सकते हैं। अब जैसे चपाती पर है, एक बार फिर से टच करूंगा तो डीप फ्राई पे आ गया है। इस तरीके से एक बार टच करेंगे तो एक एक फंक्शन हमारा बढ़ता जाएगा। इस समय डिस्प्ले में हम देख रहे हैं कि 20 लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ मिनट का भी इंडिकेटर ऑन है, तो यानी 20 मिनट के बाद यह ऑटोमेटिक बंद भी हो सकता है। और इस मिनट को यदि आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो टाइमर के स्विच को टच करेंगे। अब यहाँ से हमारा समय घट बढ़ सकता है, आप अपनी फिंगर को टच करके इधर को चलेंगे तो टाइम घटते हुए जाएगा। इस तरीके से टाइम को आप घटाकर कितना भी कर सकते हैं। टाइम 1 मिनट मैंने किया है तो 1 मिनट के बाद यह ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा और यहाँ टाइमर से आप इसमें 3 घंटे तक का टाइमर डाल सकते हैं। यानी कोई ऐसा आपका यदि मटेरियल है जो बहुत देर तक आपको पकाना है, 3 घंटे तक पकाना है या 2 घंटे तक पकाना है, तो टाइमर को यहाँ से सेट करके आप अपना वर्क कर सकते हैं और 1 मिनट पूरा होते ही ऑटोमेटिक यह ऑफ हो गया है और यहाँ एच लिखा हुआ आ गया है। अब यदि दोबारा से आप इसको चलाना चाहते हैं तो फिर से यहाँ ऑन ऑफ को टच करना होगा, फंक्शन को टच करना होगा। इसमें P5 बाई डिफ़ॉल्ट है, अगर आप इस P5 को कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको कम भी कर सकते हैं। जैसे मैं P1 आपको करके दिखा रहा हूँ, P1 मैंने कर दिया है और अब इंडक्शन ऑफ हो चुका है और कुछ देर के बाद फिर से ऑन होगा और फिर बंद हो जाएगा। यानी यहाँ P1 करने के बाद आपका इंडक्शन ऑन ऑफ जल्दी जल्दी होता रहेगा। अब इसको P2 पर करते हैं, P2 पर कर दिया है तो अब इसका ऑन होने का जो टाइम था वह बढ़ गया है। इस प्रकार कुछ देर के लिए ऑन होता है और फिर ऑफ हो जाता है। अब P3 पर कर दिया है तो अधिक देर तक ऑन रहेगा और इसी प्रकार P4 पर करेंगे तो इसका ऑन टाइम बढ़ जाएगा, P5 पर और अधिक बढ़ जाएगा। अब इसके फंक्शन के स्विच को हम आगे बढ़ाते हैं। डिग्री सेल्सियस के नीचे का इंडिकेटर आप देख रहे हैं कि ऑन है, यानी इसका टेम्परेचर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अपनी फिंगर को टच करके माइनस से प्लस की तरफ को जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और प्लस से माइनस की तरफ को आएंगे तो टेम्परेचर घटता जाएगा। और यदि इंस्टेंट घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो 80 डिग्री है, यहाँ कहीं पर मैं टच करूँगा तो 180 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, प्लस पर जाऊँगा तो 240 हो जाएगा, माइनस पर टच करूँगा तो 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका हो जाएगा। तो जब भी डिग्री सेल्सियस पर इंडिकेटर ऑन हो जाएगा तभी आप मैन्युअली टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इंडक्शन चलते हुए यदि कभी हमारा दूध या कोई सब्जी उबलकर बाहर निकल जाती है तो इसमें बाकी इंडक्शन की तरह जो फॉल्ट आ जाते हैं ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होगा। यह देखिए इसके ऊपर मैं
पानी डालकर आपको दिखा रहा हूं। पानी ऊपर डलने से, टच हो जाने से यह बंद जरूर हो गया है, लेकिन फिर से यदि आप इसको ऑन करेंगे तो फिर से चालू हो जाएगा। पानी के टचिंग होने से इसके फंक्शन चेंज हो सकते हैं, बाकी इसमें अंदरूनी कोई किसी तरीके का फॉल्ट नहीं आएगा। और दोस्तों, इसके स्मूथली फंक्शन के साथ साथ इस इंडक्शन का बहुत ज़्यादा लोड नहीं है। बेशक इस पर 2000 वाट मेंशन किया गया है, लेकिन यदि आपका मटेरियल कम है तो इसका लोड 1000 वाट तक रहता है। और यदि मटेरियल ज़्यादा है, यानी आपने इसके ऊपर 5 किलो वजन से अधिक रखा है, तब इसका लोड 1200 से 1400 वाट तक हो सकता है। इंडक्शन के अंदर सर्किट पर पानी, चाय या दूध जाने का इसमें कहीं कोई रास्ता नहीं है। जैसे हमने इसके ऊपर पानी डाला था, इस पानी को हम पूरा ऐसे इसको हटा देंगे, और हटाने के बाद फिर से हम इसके ऊपर बर्तन को रखेंगे, ऑन यहाँ से कर देते हैं और चालू यह हो गया है। तो इस प्रकार यह इंडक्शन पूरी तरीके से सुरक्षित है। सेरेमिक प्लेट की क्वालिटी भी हम देख रहे हैं बहुत अच्छी है, और पूरे इंडक्शन पर यह एक लेवल में रखी हुई है, तो देखने में भी यह बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय ऑफलाइन प्राइस इसका 3500-3600 रुपये है, ऑनलाइन 100-200 रुपये कम मिल सकता है। तो यदि आपको एक अच्छा और अधिक कैपेसिटी का ज़्यादा वाट में इंडक्शन चाहिए तो आपके लिए यह इंडक्शन बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट जरूर कर देना, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।